हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी क्लासिक चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं आनंद हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज जो हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का चैप्टर चल रहा है। पिछली तीन क्लासेस मैं ले चुका हूँ, तीन पार्ट मैंने इसके कंप्लीट कर दिए हैं। आज है पार्ट नंबर 4, ठीक है। पेज नंबर है 309 NCERT 10th क्लास, ठीक है। चैप्टर का नेम है प्रोबेबिलिटी। इसमें 9th प्रॉब्लम, 9 प्रॉब्लम हमने करवा दी, आज है 10th प्रॉब्लम। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई समस्या आ रही है, कोई असुविधा हो रही है तो हमें कमेंट कर सकते हैं आप। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो स्टडी करते हैं या जो स्टडी नहीं करते हैं सबको शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ठीक है। देखिए मैं प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट करा रहा हूँ। पहली प्रॉब्लम है 10th प्रॉब्लम है अब पिगी बैंक्स। एक पिगी बैंक है, कंटेंस 100 150 पैसा कॉइन्स, ठीक है। एक पिगी बैंक है, उसमें जो है 50 पैसा कॉइन्स कितने हैं, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, जो 50 पैसे के कॉइन्स है वो कितने हैं, 100 हैं, ठीक है। उसके बाद है 51 रुपीज़ कॉइन्स है, नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स, ठीक है। जो 1 रुपीज़ कॉइन्स है वो कितने हैं, 1 रुपीज़ कॉइन्स, वो हैं 50, ठीक है। पूरी प्रॉब्लम एक बार मैं कंप्लीट पढ़े दे रहा हूँ। 22 रुपीज़ कॉइन्स एंड 5 रुपीज़ जो हैं वो 10 कॉइन्स हैं। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। वो क्या कह रहा है कि इसमें जो है 100 जो है 50 पैसे के सिक्के हैं, और उसके बाद 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 20 सिक्के 2 रुपए के हैं, और 10 सिक्के 5 रुपए के हैं। ये इक्वली लाइकली है। इसे क्या किया जाता है, जो पिग्गी बैंक है वो उसका जो पिग्गी बैंक है गुल्लक जो होती है गुल्लक टाइप की, उसे अगर अपसाइड के लिए टर्न किया गया तो उसमें से क्या हो जाता है, एक कॉइन जो है फॉल हो जाता है, गिर जाता है। तो वो कह रहा है कि अगर इसे अपसाइड के लिए बेंड किया जाता है, टर्न किया जाता है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन। वो कह रहा है कि जो कॉइन नीचे फॉल होगा गिरेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहला है व्हाट विल बी अ 50 पैसा कॉइन, कि मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो 50 पैसे का कॉइन हो। उसके बाद सेकेंड जो है वो क्या है, विल नॉट बी अ रुपीज़ 5 कॉइन, ठीक है। वो कह रहा है कि या तो पहले में ये बताइए कि वो एक 50 पैसा कॉइन है, उसके बाद दूसरे प्रॉब्लम में ये बताना है कि वो एक 5 रुपए का सिक्का नहीं है, ठीक है। तो कॉइन्स मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स है 100, नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स है 50, और नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स है, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स है 20, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स है 10। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, वो यहां पर मैं लिख ले रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, ओके। कितना हो जाएगा ये, 150 एंड 20 170 एंड 10 180। अंडरस्टैंड, आप ये समेशन कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं आउटकम्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, ओके। अब हम प्रोबेबिलिटी में फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, विल बी अ 50 पैसा कॉइन। वो कह रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो जो कॉइन है वो 50 पैसा कॉइन है, 50 पैसे का सिक्का है। देखिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 50 पैसा कॉइन, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, फेवरेबल आउटकम्स उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स है, 50 पैसा कॉइन्स कितने, 100, ठीक है। तो कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन, ठीक है,
50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये फार्मूला है हमारा प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। नेक्स्ट देख लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 100, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 180 पहले मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 10 अपॉन कितना बचेगा 18, यहाँ पर क्या करेंगे 5 टू जा कितना होता है 10 एंड 9 टू जा 18, तो कितना आया 5/9। तो 50 पैसा कॉइन कितना होगा, अब 50 पैसा कॉइन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/9। नेक्स्ट जो है इसी में सेकेंड वाला है, सेकेंड में क्या कह रहा है, विल बी नॉट अ 5 रुपीज क्वाइंस, ठीक है, विल बी नॉट अ 5 रुपीज क्वाइंस, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं जो है यहीं पे करवा दे रहा हूँ, वो वाला जो है मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये वाला सेकेंड वाला यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ 5 रुपी क्वाइन, नॉट अ 5 रुपी मतलब 5 रुपये ना होने की प्रायिकता है। 5 रुपये ना होने की प्रायिकता का मतलब क्या होगा कि जो 5 रुपये वाले सिक्के हैं वो नहीं होंगे, मतलब 5 रुपये वाला सिक्का जो फॉल हो रहा है वो नहीं गिरेगा, बाकी सब गिरेंगे, यानी कि 5 रुपये के सिक्के कितने हैं 10 है, तो ये इस वाले 10 सिक्के नहीं, 10 में से कुछ भी नहीं गिरेगा, बाकी ये वाले जो क्वाइंस हैं वो गिरेंगे। तो बाकी कितने क्वाइंस हैं, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, यहाँ पे लिख लेना फेवरेबल आउटकम्स, फार्मूला यही वाला रहेगा आपका, ये जो यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फेवरेबल आउटकम्स लिखे ले रहा हूँ पहले, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 100, यानी कि अगर जो 10 रुपए का सिक्का नहीं, मतलब 5 रुपए के सिक्के नहीं गिरे हैं, जो कि 10 सिक्के हैं उसमें 5 रुपए का अगर नहीं गिरा है, तो इसका मतलब या तो 50 पैसे वाला गिरा होगा, या 1 रुपी वाला गिरा होगा, या 2 रुपी वाला गिरा होगा, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स, जो 5 रुपी के कॉइन्स हैं 10 उनको छोड़ के बाकी जो हैं क्या हैं, फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो ये कितने हो गए हैं, ये हो जाएंगे 170, अंडरस्टैंड। उसके बाद पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमने यहाँ पर लिख रखे हैं 180, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ रुपीज 5 कॉइन, ठीक है, कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स 170 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है 180, यहां पर मैंने लिख रखा है ये पॉसिबल आउटकम्स है, फेवरेबल आउटकम्स ये वाले निकल के आए, तो कितना 0 से 0 कैंसिल कितना आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 18। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आप अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से क्लियर कर लीजिए, अगर नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को जो है एक बार बैक करके देख लीजिए, और पूरा समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। अगली प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 11, देखिए प्रॉब्लम नंबर 11 क्या है, प्रॉब्लम नंबर 11 में है गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, ठीक है। गोपी है वो क्या कर रही है, एक बाय अ फिश, गोपी वाइज
a fish. Fish for his, for his aquarium. एक्वेरियम देखा आप लोगों ने, जो मतलब उसने क्या किया है, उसने कुछ फिशेस खरीदी हैं, फिश खरीदी है एक्वेरियम के लिए, जिसमें आपने देखा है जो जार, एक जार टाइप का होता है जिसमें वाटर भरा होता है, उसमें लाइक सी की तरह होता है, तो उसमें क्या है, उसमें डालने के लिए, ठीक है. द द शॉपकीपर, शॉपकीपर, द शॉपकीपर टेक्स आउट, takes out one fish at random from, at random from, from tank containing, containing 5 male fish. पहले क्वेश्चन को आप समझ लेना, उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है. पहले समझ लीजिए, उसके बाद ही सॉल्व करना. अगर समझ एक बार आ गया आपको तो बिल्कुल इजीली ये आप कर पाएंगे. व्हाट इज द probability of that the fish taken out, taken out is a मेल, इज अ मेल फिश. देखिए गोपी क्या कर रहा है, गोपी एक फिश को खरीद रहा है, बाय कर रहा है एक्वेरियम के लिए, ठीक है. उसने, शॉपकीपर ने क्या किया, शॉपकीपर ने जो टैंक था जिसमें मछली रखी थी, उसमें उसने जो था फिशेस रखी थी, उसमें जो था हाथ डाला और एट रेंडम एक फिश को निकाल लिया, ठीक है. और जो टैंक है, टैंक में कितनी है, टैंक में 5 जो है, नंबर ऑफ 5 जो है मेल फिश है और 8 जो है फीमेल फिश है. नंबर ऑफ मेल फिश, मेल फिश कितनी है, 5 है. नंबर ऑफ फीमेल फिशेस कितनी है, नंबर ऑफ फीमेल फिशेस, नंबर ऑफ फीमेल फिशेस है 8, ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, देखिए 8 फीमेल फिश है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द फिश टेकन आउट इज द मेल फिश. वो कह रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब एक पिक जो है, एक फिश को पिक किया गया है टैंक से, कि उसके मेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं दोस्तों, कितने हैं, 5 + 8 कितना हो गया, 13. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 13. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू, देखिए वो कह रहा है मेल फिश की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो जो मेल फिशेस हैं वही है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 5 या ये कहे हैं, ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मेल फिश, मेल फिश की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फार्मूला आपको वही अप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ओके अंडरस्टैंड, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. तो कितने फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 5, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने, 13. तो आंसर क्या होगा, 5/13. अब देखिए इसमें अगर
इतना तो पूछा गया। अगर इसमें ये पूछा जाए कि मेल फिश ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मेल फिश ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछता तो हम क्या कर सकते, जो मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी है उसे किस क्या करेंगे, वन में से सबस्ट्रेक्ट कर देंगे मेल फिश ना आने की प्रोबेबिलिटी। ओके अंडरस्टैंड। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक लास्ट प्रॉब्लम और कर लेते हैं, उसके बाद देखिए एक लास्ट प्रॉब्लम रह गया है, आप ये राइट डाउन कर लीजिए, कॉपी पेन उठा के बैठिए। जब तक आप कमिटमेंट नहीं कर लेंगे, कमिटमेंट नहीं कर लेंगे जब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये नहीं कि 2 मिनट वीडियो देखा बस हो गया, आप प्रॉपर वीडियो देखिए, रोजाना मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, रोजाना वीडियो देखें प्रॉपर तौर पे, तभी आपके समझ आएगा। ठीक है ना, देखिए एक गेम ऑफ चांस है, ठीक है, एक गेम है इस टाइप से, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, इस टाइप से एक गेम है और यहाँ पर जो है ये लाइंस ड्रॉ हैं, ठीक है, इसमें कुछ नंबर्स पड़े हुए हैं, ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर, ये है 3, ये है 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, और जो निडल है वो है इसकी तरह, अंडरस्टैंड। तो अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एरो, अब इसका जो एरो है क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, ठीक है, विच कम्स टू रेस पॉइंटिंग एट द वन एट द नंबर 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ पे प्रॉब्लम को लिखे दे रहा हूं, अ गेम ऑफ चांस, अ गेम ऑफ चांस, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट 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 ऑफ स्पिनिंग 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 एरो स्पिनिंग एरो विच कम्स विच कम्स टू रेस्ट। आप बुक लेकर बैठिए, ठीक है, यहां पर अगर मान लीजिए कुछ मिस्टेक हो रही है, अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है प्रॉब्लम को, तो आप बुक में से देख लीजिए, ठीक है, रेस्ट पॉइंटिंग 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 एट वन वन ऑफ द नंबर नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड दीज आर इक्वली लाइकली, और ये क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मैंने इतना ही लिखा, ठीक है, पॉइंट एट, फर्स्ट है 8, सेकेंड है एन ऑड नंबर, थर्ड है अ नंबर ग्रेटर देन अ नंबर नंबर ग्रेटर देन टू ग्रेटर देन टू, फोर्थ है अ नंबर लेस देन 9, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो कह रहा है देखिए गेम है, इसमें क्या कर रहा है, 1 से 8 तक नंबर है और इसमें ये जो एरो है ये स्पिन कर रहा है, ठीक है, स्पिन कर रहा है और ये रुकने के बाद जो है एक नंबर के जो है
फ्रंट पे आ जा रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इसमें 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट पॉइंट, मतलब इस पे 8 पे पॉइंट होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ फर्स्ट वाला कर दे रहा हूँ मैं। अब 8 देख लीजिए, 1 है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, नंबर ऑफ, जैसे हमने डाइस थ्रो किया तो उसमें 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/6, 3 की 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और जितने 1 से लेकर 8 हैं, ठीक है, 1 से लेकर कितने हैं 8 हैं, तो इसमें प्रत्येक के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/8 होगी। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 8, टोटल नंबर ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1, टोटल नंबर ऑफ, अब देखो मैं प्रत्येक प्रॉब्लम के लिए नहीं लिखूंगा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने आ सकते हैं। भैया एरो जब राउंड होगा, स्पिन होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा या तो 1 से लेकर 8 पर कहीं पर भी आ सकता है, एरो पॉइंट कर सकता है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, आउटकम्स कितने हो जाएंगे 8, अंडरस्टैंड। तो इसमें गेटिंग 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, 8 गेटिंग 8 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 तो 1/8, ठीक है। सेकेंड वाला देख लीजिए, यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ, सेकेंड वाला मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ अभी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, उसके बाद सेकेंड वाला है एन ऑड नंबर, ठीक है। तो ऑड नंबर इसमें कितने हैं, ऑड नंबर की डेफिनेशन होती है द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, दैट इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो ऑड नंबर कहलाएगा। ऑड नंबर है फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, ऑड नंबर, एन ऑड नंबर, ऑड नंबर। अब ऑड नंबर कितने, ऑड नंबर है 1 और उसके बाद है 3, देखिए 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, उसके बाद 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर, 1, 2, 3, 4, तो कितने ऑड नंबर है, 4 ऑड नंबर है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, वो है हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है 8, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर कितनी हो जाएगी, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स है 4, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है 8, तो कितना आ जाएगा, 4 × 4, 4 × 2 = 8, यानी कि 1/2, अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद आगे इसमें 2 और रह गए, वो भी मैं करवा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप ये राइट डाउन कर लिया है, ठीक, वेरी गुड, ये प्रॉब्लम्स को राइट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर मैं करवा दे रहा हूँ, ये वाला राइट डाउन कीजिए, यहीं पे मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए उसके बाद ये है थर्ड वाला, थर्ड वाले में क्या है, गेटिंग एन अ नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। अब इसमें से देख लीजिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे जो 2 से ग्रेटर हैं, 2 से ग्रेटर जो भी नंबर्स हैं वो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 से ग्रेटर कितना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 2 से ग्रेटर कितने नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर हैं 2 से ग्रेटर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 2, उस नंबर की प्रोबेबिलिटी जो 2 से ग्रेटर है, तो कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स हो गए 6 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है 8, तो कितना हो जाएगा,
टू थ्री जा होता है सिक्स और टू फोर जा होता है एट, यानी कि थ्री अपॉन फोर. दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड प्रॉब्लम, दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर है 12, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 12, ठीक है. उसके बाद हमारा एक पार्ट और बचा है, वो भी मैं अभी कंप्लीट करा दे रहा हूँ. यहाँ पर देख लीजिए, अ नंबर इज लेस देन 9, वो कह रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए जो नंबर जो है हमारे लेस देन 9 है, ठीक है. देखिए यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन को मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है. यहाँ पर ही मैं ड्रॉ कर दूंगा इसे. फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ, अ नंबर लेस देन 9, अ नंबर लेस देन 9. तो लेस देन 9 का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कोई नंबर लेस देन 9 आता है तो इसका मतलब एक से लेकर 8 कुछ भी आ सकता है. अब एक से लेकर, ये कैसी इवेंट है, दिस इज अ सर्टेन इवेंट. इन्हीं में से भैया लेस देन 9 तो आएंगे नंबर, तो कौन सी इवेंट है ये, सर्टेन इवेंट. और सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, सर्टेन इवेंट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट विल बी 1, ठीक है. ये कैसी इवेंट है, सर्टेन इवेंट है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ऑलवेज 1. अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आप ऐसे कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 9, उसकी प्रोबेबिलिटी जब नंबर क्या कौन सा आता है 9 से लेस आता है तो कितना हो जाएगा, 9 से लेस का मतलब है 1 से लेकर 8 तक, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 8, और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं वो भी हैं 8, तो कितना हो जाएगा 1 आंसर. अंडरस्टैंड. अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको शेयर कीजिए, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया स्मार्ट स्टडी क्लासेस तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए. अगर कोई असुविधा हो रही है, कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. कल फिर मिलेंगे पार्ट नंबर 5 लेकर क्वेश्चन नंबर 13 के साथ शुरुआत करेंगे, और हमारे साथ बने रहिए. तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू.